आजादी के 74 साल बाद भी शहरों व कस्बों में भले ही कुछ चमक दमक बढ़ा हो, गांव की तकदीर और तस्वीर नहीं बदली। आज भी लोकतंत्र में शासन व्यवस्था, सामाजिक ताने बाने पर गहरा काला धब्बा है। आधुनिक समाज में गरीब और कमजोर के लिए सोचने की जगह लगातार सीमित होती जा रही है। नतीजा है कि अभागे बाप को स्वतंत्र देश में वो मौलिक सुविधा भी नसीब नहीं हुई जिसका वो हकदार है, और किशोर बेटे के सबको प्लास्टिक के थैले में लेकर 2.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, जिसने इंसानियत को भी शर्मसार करके रख दिया है। ताजा मामला बिहार के कटिहार जिला थाना कुर्सेला के खेरिया गंगा घाट से जुड़ा है, जब भागलपुर जिला के गोपालपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने 6 दिन पूर्व करारी तीनटंगा घाट में डूबे एक किशोर का शव कुर्सेला थाना क्षेत्र के खेरिया घाट से बरामद किया। किशोर का शव पूरी तरह कंकाल बन चुका था। पिता ने शव की पहचान बेटे के कपड़ों और शरीर के पुराने निशान से किया। बच्चा गिरी गल से। कितना तारीख को? कब? शुक्र के 6-7 बजे रात में। कहाँ पर? तीनटंगा घाट में। तीनटंगा करारी घाट। कौन सा थाना? थाना तीनटंगा, गोपालपुर थाना, गोपालपुर तीनटंगा। कैसे गिर गया था बच्चा? नाव पर से अनहार में जा रहा था। नाव पर से अनहार में गिर गया था। नाव पर से जा रहा था टपने के लिए। टपने के लिए उस वक्त गिर गया था, वो डूब गया। अच्छा। डूबने के बाद नाव वाला दिया या जहाज वाला या खोजने लगा, 3 दिन से हम खोजे नहीं मिले। चौथा दिन पता लगा कि बटेसर थान के नीचे पार हो गया था, आ करके तीनमुही गंगा में लगा था, वहाँ से डोम भसा दिया। खेरिया घाट में हम पाए बरामद। तो पुलिस आई थी? जी सर। आप पहचाने अपने बच्चे को? जी सर। पैंट कपार में गड्ढा था और पैंट भी मेरा अपना जो दिए थे वो हमारा है। दांत और दांत से पहचान था ये मेरा बच्चा है। बच्चा मेरा है। लास्ट गल गया है क्या? हाँ सर, गल नती है, खा गया कुत्ता अलगा फलगा। अच्छा, तो बच्चे का पैंट कहाँ है? कपड़ा ये अंदर में है। तो क्या बोली पुलिस? पुलिस बोले कि इंक्वायरी करके हम अस्पताल ले जाइए। तो अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? खेरियाघाट से। कितना दूर है खेरियाघाट? यहाँ से 3 किलोमीटर। तो वहाँ से पैदल आप आ रहे हैं? हाँ सर, गाड़ी अभी नहीं मिला है सर, बुल्ले आ रहे हैं। मृतक 14 वर्षीय किशोर हरिओम यादव गोपालपुर थाना क्षेत्र के तीनटंगा निवासी लेरू यादव का पुत्र बताया जा रहा है, जो 26 फरवरी की शाम नाव से गिरकर गंगा में डूब गया था, जिसको लेकर गोपालपुर थाना में एक मामला भी दर्ज कराया गया है। 4 दिन बाद कहलगांव के बटेसर गंगा नदी से शव मिलने की जानकारी पर परिजन पहुंचे, लेकिन शव को पुनः गंगा में बहा दिया गया। पुनः खेरिया घाट पर शव मिलने की जानकारी मिली और पुलिस ने शव को थैले में रख पीड़ित पिता को पोस्टमार्टम के लिए सौंप दिया। बेटे के शव को लेकर अभागा बाप 2.5 किलोमीटर पैदल तय कर कुर्सेला रेलवे स्टेशन माल गोदाम पहुंचा, जहां से उन्हें पोस्टमार्टम के लिए गाड़ी पकड़कर भागलपुर जाना पड़ा। बड़ा सवाल है कि मृत किशोर के शव को ले जाने के लिए प्रशासन द्वारा वाहन उपलब्ध क्यों नहीं कराया गया, जबकि शवों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था के लिए सरकार की ओर से उन्हें राशि भी मुहैया कराई जाती है, तो कुर्सेला पुलिस से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? मामले में कटिहार SDPO अमरकांत झा ने भी संज्ञान लिया है और जाँच कर दोषी पाए जाने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की बात भी कही है। इस संबंध में जांच की जाएगी। वैसे यह मीटर भागलपुर के गोपालपुर थाना का है, लेकिन हम लोग देखेंगे उस मीटर में हमारे स्थानीय पुलिस का है या वहाँ की है। यदि वहाँ होगा तो इस संबंध में हम लोग देखेंगे, और इस संबंध में यदि इस तरह की बात पुलिस के द्वारा की गई है कि हम लोग जांच कर और ताकि कोई गलती की गई है तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। बहरहाल देखा जाए तो थैले में किशोर का शव नहीं, भारतीय लोकतंत्र, शासन प्रशासन और समाज की संवेदनहीनता का बोझ भी था, जो थैले में झूलता 2.5 किलोमीटर का फासला तय कर गया। बात जो भी हो, इस तस्वीर ने यहाँ की सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है, जो शासन व्यवस्था के गाल पर करारा तमाचा भी है। खबरें आप तक लाइव के लिए कटिहार के कुर्सेला से मणिकांत की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए खबरें आप तक लाइव। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।